आप सभी का स्वागत है सिंसर मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। एपी की 51 टर्म, जो 51 टर्म का सम निकालना भाई। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। जिसकी दूसरी और तीसरी टर्म दे रखी है भाई। सेकंड टर्म कितनी दे रखी है आपको? सेकंड टर्म आपको दे रखी 14 और थर्ड टर्म क्या दे रखी है आपको? 18 दे रखी है। तो निकालना क्या है? सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का निकालना भाई। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो टर्म्स गिवन है, सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं भाई? युक्ता सेकंड टर्म को लिखते हैं बेटा a2 इज इक्वल टू 14। सेकेंड टर्म जो बेटा इसमें कितनी है? 14 है सेकेंड टर्म, तो इसको a2 लिखेंगे 14। एंड थर्ड आपको वो क्या गिवन है बेटा इसमें? थर्ड टर्म गिवन है, तो पहले इसको सोल्व कर देगा थोड़ा सा। यहीं पे इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस में 1d लिख सकते हैं भाई इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने बताया था 2 है, तो यहाँ पर एक कम करके लिखते हैं। युक्ता आपको पता है, तो 1 मैंने कहा था, 1 या लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं होता। a प्लस डी का मतलब भी 1d होता है भाई। अब कौन सी टर्म पता आपको? थर्ड टर्म पता है बेटा, a3 इज इक्वल टू 18। a3 को लिख सकते हैं a प्लस में 2d इज इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास आ गए भाई। और इसमें देखिए कितनी टर्म का सम पूछा आपसे? 51 टर्म का। और यहां पर जो n है आपको पता है, n इज इक्वल टू 51 है बेटा, ये तो आपको पता ही है। तो जब आपको क्या निकालना है, जब आपको सम निकालना है, एसएन निकालना, तो a और d की जरूरत पड़ेगी आपको। फर्स्ट क्या भाई? a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। एलिमिनेशन लगाएंगे बेटा, a वाली टर्म इक्वल आपकी, a वाली टर्म इक्वल, तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। d और माइनस 2d, तो कितना बचेगा? माइनस d बचेगा और ये बचेगा यहाँ माइनस 4। 14 माइनस 18, माइनस वाला बड़ा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू 4। तो डी की वैल्यू 4 आ गया आपकी। डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में डाल के वहां से ए निकाल लीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये बेटा ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14 और डी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ए इज इक्वल टू आएगा बेटा 10। आपने a निकाल दिया, आपने d निकाल दिया, n आपको गिवन है, सम निकालना है 51 टर्म्स का, तो 51 टर्म का सम आप फाइंड कर देंगे बेटा इससे। तो sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। sn का फॉर्मूला आपको पता है, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला बेटा रखिए वैल्यू इसमें, s 51 बाई 2 2a, a की वैल्यू कितनी बेटा? 10। वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस में 51 माइनस 1 इंटू डी कितना बेटा? 4। सारी वैल्यू जो हमारे को गिवन थी a की, n की, d की फॉर्मूले में पुट कर दी। अब कैलकुलेशन वर्क आपका, 51 है भाई, डिवाइड नहीं हो रहा बेटा ये, 51 एज इट इज अपॉन में 2, 51 अपॉन 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना है यहाँ से देखो, 10 टू जा 20 आया बेटा, ये बचेगा 51 में से एक गया भाई 50, 50 की 4 से करेंगे 200 आएगा बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बेटा, प्लस करेंगे कितना आएगा? 220, और 220 को काट देंगे 2 से बेटा, कट जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 1 1 0। 51 की और 110 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 6 1 0, इनकी मल्टीप्लाई, ये आंसर आएगा बेटा। नोट करिए एक बार, कोई डाउट और डिस्कस करें। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बेटा कैसे होगा। इसमें कैसे है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, एपी की पहली 7 टर्म जो है उनका सम कितना बेटा? उनका सम 49 है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म जो है बेटा, उसकी 17 टर्म जो है उनका सम कितना है? 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा,
इसमें एस सेवन दे रखे, साठ टर्म का सम कितना है 49 है। एस सेवनटीन 17 टर्म का सम कितना भाई 289 है। तो निकालना क्या है, फाइंड फाइंड करना आपको एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स आपको निकालना है भाई। ये दो चीजें गिवन है, बस एस सेवन गिवन है और एस सेवनटीन गिवन है, फिर एन टर्म का सम आपको फाइंड करना है। इसका मतलब आपको गिवन क्या है, एस एन है भाई, सम है, सम ऑफ सेवन टर्म सम ऑफ सेवनटीन टर्म। तो उसका यूज करके हम क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे बेटा, फिर लगाएंगे हम कौन सा भाई एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे बाद में एन टर्म का सम निकालने के लिए। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन बाय टू एज वी नो एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फॉर्मूला होता है एस एन का। अब हमें निकालने गिवन क्या है, कितनी टर्म का सम है, सेवन टर्म का सम गिवन है बेटा, एस सेवन। तो इसका मतलब जहां पर एन है वहां पर क्या रख दें हम, सेवन रख देंगे। तो सेवन टर्म का सम देखो ऐसे लिखा जा सकता है, एस सेवन इज इक्वल टू सेवन बाय टू और यहां पर कितना बेटा टू ए सेवन माइनस वन इन टू डी। इसमें हमें कुछ भी नहीं पता भाई, सिर्फ एन पता है कि एस सेवन, और एस सेवन की वैल्यू हमारे पास है वो रखेंगे हम, ए नहीं पता हमें, डी नहीं पता इसमें। तो हमने सिर्फ क्या रखा बेटा, एन की वैल्यू यहां पर रखी है और रहेगा एज इट इज। अब एस सेवन जो है, सेवन टर्म का जो सम है वो कितना बेटा 49 आपको गिवन है। तो यहां पर क्या रख दीजिए, यहां पर 49 इज इक्वल टू सेवन बाय टू, ये टू एज इट इज, सेवन माइनस वन सिक्स, सिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये हो जाएगा 6d। अब ध्यान से देखिए, टू से सेवन कट नहीं रहा भाई, तो क्या करेंगे इसको यहां जो मल्टीप्लाई में बेटा इधर डिवाइड में भेज देंगे। जब ये डिवाइड में जाएगा या तो ऐसे कर लिए टू को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे 49 इंटू में टू और सेवन आ जाएगा डिवाइड में बेटा, टू चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, सेवन डिवाइड में, ये बचा टू ए प्लस में 6d। अब ये कट जाएगा बेटा, सेवन वन जा सेवन, सेवन सेवन जा 49, ये बचा कितना, ये बचा टू सेवन जा 14। तो ये आ गया बेटा, ये 14 इज इक्वल टू 2a प्लस में 6d, और आप कैसे लिख सकते हैं 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल टू 14 लिख दीजिए या आप इधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे। तो 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 14, ये क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई बेटा आपकी। उसके बाद देखिए, सम ऑफ 17 टर्म्स, 17 टर्म का सम कितना बेटा 289 है। तो जो ये फॉर्मूला था हमारा एस एन वाला, अगर इसमें एन को हम क्या रख देंगे 17, तो क्या बन जाएगा, सम ऑफ 17 टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, एस 17 इज इक्वल टू 17 अपॉन में टू, टू ए प्लस 17 माइनस वन इन टू डी। बेटा इस फॉर्मूले में जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जहां पर एन है, एन की जगह हमने 17 रख दिया है 17, तो ये एस 17 बनगा 17 बाय टू, टू ए या एन की जगह युक्ता क्या रखा है 17 बेटा, 17 माइनस वन टू डी। तो एस 17 की वैल्यू आपको पता है गिवन है कितनी है 289, यहां पर रख दीजिए 289। साक्षी ऐसे किया तुमने, 2a प्लस में आ जाएगा 16d बेटा, 289 एज इट इज, ये रखिए इसकी वैल्यू बेटा, ये कट नहीं रहा, ऐसे कैसे रहेगा 2a 17 में से गया 16, 16d आ गया बेटा। अब ये 17 अपॉन में 2, 17 2 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 2 को भेजे क्रॉस मल्टीप्लाई और 17 आ जाएगा भाई डिवाइड में, ये है बेटा 2a प्लस में 16d। अब 17 से 289 कटेगा नहीं कटेगा, पता लग रहा है आपको देख के, इतेश कैसे पता चला, वैसे पता है डिवाइड करके देखेगी साक्षी कैसे, हाँ 17 का स्क्वायर है भाई 289, स्क्वायर आपको 30 तक ही बिल्कुल रन होने चाहिए बेटा, 17 एकम 17, 17 से कटेगा भाई 17 पे जाएगा, 17 का स्क्वायर है इतेश ये। तो बेटा ये आ जाएगा आपका, पहले इसको लिख दीजिए 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 17 दूनी 34, 34 इक्वेशन नंबर ये आ गया आपकी सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे क्या लगा दीजिए, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन लगाएंगे तो आपका a और d आ जाएगा भाई यहां से। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
वी गेट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर दीजिए भाई। फर्स्ट हमारी क्या है, 2a प्लस में 6d इज इक्वल टू 14, और ये 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 34। इसमें देखिए बेटा 2a वाई टर्म इक्वल है युक्ता, ये भी 2a है, ये भी 2a है बेटा, और दोनों के आगे कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब पॉजिटिव प्लस का साइन है, साइन दोनों का एक जैसा है, दोनों टर्म इक्वल है। तो क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज, माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा बेटा, 6d माइनस 16d, तो माइनस का 10d बचेगा बेटा, माइनस का 10d, 14 माइनस में 34, तो माइनस का क्या बचेगा साक्षी, माइनस का 20, माइनस का 20 बचेगा बेटा, 14 में से माइनस 34 घटाएंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 2, 2 कैसे आया पता लगा युक्ता, 10 नीचे जाएगा भाई, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, कट जाएगा भाई, d की वैल्यू 2 आई बेटा। अगर d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल देंगे तो वहां से a आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसी में भी रख सकते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट देखिए भाई, ये रही यहां पर है 2, 6 इंटू में d की वैल्यू 2 रखी भाई, इज इक्वल टू कितना है 14, d की वैल्यू हमने रख दी बेटा, ये कितना हो भाई 6 दूनी 12, इसमें उधर जा क्या होगा माइनस, तो कितना बचा भाई, तो ये बचेगा 2a इज इक्वल टू 2, ये 2a इज इक्वल टू कैसे बचा समझ में आया आपको बेटा, ये 6 दूनी 12 हुआ, 12 को उधर जा क्या कर दिया हमने माइनस, 14 माइनस में 12, 2 बचेगा बेटा, तो 2a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू आएगा 1, क्योंकि 2 अपॉन में 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, आपको पता है। आपने a निकाल दिया, d निकाल दिया, अब आपसे पूछा कि आप ये निकालिए, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम निकालना भाई, n टर्म का निकाला आपने साक्षी, n टर्म का सम, देयरफॉर Sn का फॉर्मूला ये होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका मतलब ये, इसमें a और d की वैल्यू तो पुट करेंगे, n को क्या रखेंगे साक्षी जी, आप ये बताएं, n को इसमें, बिल्कुल हाँ इतेश याद रखना बेटा, n को n रहने देंगे, क्योंकि उसने बोला सम फर्स्ट n टर्म्स, तो n का n रहेगा बेटा, तो इसमें n अपॉन 2, a की वैल्यू इसमें 1 रख दी भाई, n n रहेगा भाई, ठीक है बेटा। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 2 निकाली भाई, d की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, इसको सोल्व करना जस्ट भाई, a की d की वैल्यू इसमें डाल दी बेटा, n n ही रहेगा युक्ता, n n इसलिए रहेगा बेटा, n टर्म का सम बोला इसने, इसको सोल्व करो, 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई n से बेटा 2n, 2 1 जा 2, ये प्लस माइनस, माइनस का 2 आएगा बेटा, ये माइनस 1 है प्लस 2 बेटा, माइनस का 2 आएगा, ये प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा भाई। अब क्या बचा, अब ये बचा भाई, ये बचा n स्क्वायर अपॉन 2, अंदर है 2n, 2 से 2 कटेगा भाई, n इंटू n कितना भाई, n स्क्वायर, ये आंसर है भाई आपका, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, n स्क्वायर, ये आंसर है, समझ के नोट करें भाई, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें जल्दी से। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स है बेटा, तो की वन क्या है इसमें, शो दैट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन फॉर्म एन एपी, ए वन ए टू ए थ्री और ए एन मिलकर एक एपी बनाएंगे, हमें शो करना है। उसमें गिवन क्या बेटा, एन इज गिवन, एन क्या दे रखा है, एन इज डिफाइंड एज एन इज इक्वल टू 3 प्लस में 4n, तो इस एन का यूज करना है, यहां से हमें ए वन निकालना है, ए टू निकालना है, ए थ्री निकालना है, और ये चेक करना कि ये एपी बन रही है नहीं बन रही है, ये शो करना हमें, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, और जो एपी बनेगी उसकी 15 टर्म्स का हमें क्या निकालना, सम निकालना। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें ए एन कितना भाई, ए एन है 3 प्लस में 4n, इसमें हमें निकालना ए वन, अगर ए वन निकालना है तो n की जगह क्या पुट कर दीजिए, n की जगह यहां पर 1 पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर नहीं भाई, ध्यान से देखिए युक्ता, इसमें बेटा a1 अगर निकालना है तो n जहां पर है वहां 1 रख दीजिए, यहां 1 रखेंगे तो यहां भी 1 रखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो बेटा जहां पर n है वहां पर क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, आपको a1 निकालना है तो 3 4 1 जा 4 कितना है भाई 7, तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आई भाई 7 आ गई है। अगर a2 निकालना है तो जहां पर इसमें n है वहां पर 2 रख दीजिए,
इसमें टू रखेंगे तो यहां भी थ्री, फोर इंटू टू ये कितना भाई एट, कितना बेटा इलेवन, तो सेकेंड टर्म हमारी कितनी आ गई इलेवन आ गई भाई। और अगर इसमें आपने थ्री निकालना, ए थ्री निकालना है तो जहां पर एन है वहां पर क्या रख दीजिए आप, थ्री रख दीजिए, तो आपकी थर्ड टर्म आ जाएगी, तो आ जाएगा थ्री प्लस में फोर इंटू थ्री, थ्री फोर थ्री या ट्वेल्व, ये आ बेटा फिफ्टीन। तो ये आपकी आपने एपी की थ्री टर्म्स निकाल दी। अब आपको चेक ये करना है एपी है नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए आप कितना डिफरेंस है भाई चार का, कितना डिफरेंस है चार का, सात और चार ग्यारह, ग्यारह और चार पंद्रह, इसका मतलब ये जो है ये एपी की टर्म्स आएंगी। तो ऐसे करके हम इसकी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एपी इज, एपी क्या बनी भाई, एपी आपकी बन गई सेवन इलेवन फिफ्टीन एंड सो ऑन, एपी बन गई भी चार चार का डिफरेंस है सब में। साक्षी समझ में आ रहा है आपको ये? हाँ, पहले एन की जगह वन रख देंगे बेटा, फिर एन की जगह टू, फिर थ्री, और हमने इसका गैप चेक कर लिया, गैप एक जैसा है तो इसका मतलब ये एपी है। अब हमें इसमें देख लिया हमने कि ए कितना है सेवन, डी कितना भाई इलेवन माइनस सेवन इज इक्वल टू फोर, युक्त आपको पता अगली टर्म में सिर्फ इसी टर्म माइनस करते हैं डी आता है बेटा ए टू माइनस ए वन, और एन कितना है इसमें एन, एन है बेटा फिफ्टीन, बोला उसने कि पंद्रह टर्म का सम माइनस फाइंड करिए इसमें, तो फर्स्ट फिफ्टीन टर्म का सम फाइंड हमें करना है इसमें। क्या निकालना है, उनका हमें सम निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिए। तो जब इसका सम निकालेंगे बेटा, एपी आपको गिवन है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म हमारी सेवन है, डी कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन फोर आ गया, एन कितना है इसमें फिफ्टीन गिवन बेटा, तो देयर फोर एस एन इज इक्वल टू, एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, एन अपॉन में टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला बेटा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एन कितना है फिफ्टीन, एस फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन टू टू ए, ए हमारा कितना है सेवन, ए सेवन है हमारा, एन फिफ्टीन है, और डी हमारा कितना है बेटा फोर है यहाँ पर, तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दिए। अब कैलकुलेशन वर्क है भाई, बहुत बार कर चुके हैं काम आप, 15 अपॉन 2 ऐसे कैसे, क्योंकि कटेगा नहीं भाई, तो 2 इंटू सेवन, 2 सेवन जा 14, यहां बचेगा कितना 15 माइनस 1 14, 14 फोर जा 56, 14 चौके 56 भाई। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना 15 अपॉन 2 प्लस करो भाई 60 हो रही होगा 70, 70 होगा भाई ये 14 प्लस में 56 70 हो जाएगा युक्ता, काटेंगे बेटा 2 1 जा 2 टू थ्री जा सिक्स टू फाइव जाइए आगा 15 मल्टीप्लाई 35 कितना आंसर आया साक्षी, मल्टीप्लाई करो भाई 15 पाँच पिछहत्तर सात 525 आंसर भाई आपका, 15 इंटू में 35 करेंगे तो 525 आंसर आएगा बेटा। तो इस तरीके से करना है ये, इसमें जो ए एन गिवन है उसमें एन की वैल्यू पुट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकाल दीजिए, एपी बन जाएगी, एपी का ए और डी आप लिखिए, एन इसमें गिवन है, 15 टर्म का सम निकालना है, तो ऐसे सोल्व होगा बेटा, नोट करिए जल्दी से, वो डाउट हो तो पूछे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट, और सब भी गिवन वैसे बेटा जो फर्स्ट पार्ट में था, कि आपको वही शो करना है ए वन ए टू ए थ्री एन फोर एन एपी, एन जो इसमें अब की बार क्या गिवन है 9 माइनस में 5 एन, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, अब एन आपका चेंज कर दिया, अब एन क्या है यहां पर, हियर एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5 एन, अगर आपको ए वन निकालना है तो इसमें एन को क्या पुट करेंगे हम, 1 पुट करेंगे भाई, एन को 1 पुट करेंगे तो ए वन आएगा 9 माइनस में 5 इंटू 1, 9 5 1 जा 5 कितना है बेटा ये 4 आ जाएगा। अगर आपको ए टू निकालना है तो इसके अंदर जो आपका एन है वहां पर क्या 2 पुट कर दीजिए, तो ए टू 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस कितना हो जाएगा भाई 10, कितना हो जाएगा बेटा माइनस 1। अब आप ए 3 निकालना है तो यहां पर n को 3 पुट कर दीजिए बेटा, 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 कितना बचेगा भाई माइनस 6 एंड सो ऑन, ऐसे हम इसके आगे टर्म निकाल सकते हैं भाई। अभी चेक कर ले एपी है नहीं, अगर डिफरेंस देखें ये माइनस, ये फोर है ये माइनस वन है, अगर ऐसे निकाले भाई वन और माइनस फोर, ऐसे माइनस ए टू माइनस सेवन करेंगे तो माइनस फाइव आएगा भाई,
और इसका डिफरेंस अगर देखें भाई यहां से माइनस सिक्स और ये माइनस वन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना आएगा माइनस फाइव। तो एपी है बेटा, हियर एपी इज, ये एपी बन गई, क्या बनी एपी, फोर माइनस वन माइनस सिक्स एंड सो ऑन, ये एपी है बेटा। अगर यहां देखें हम ए कितना हमारा, ए इज फोर, डी क्या होता है ए टू माइनस ए वन, युक्ता पता है तेरे को, ए टू कितना है तेरा माइनस वन। अब ये माइनस में फॉर्मूले में बेटा ये माइनस, और ए वन हमारा फोर है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस करेगा बेटा माइनस फाइव, तो माइनस फाइव है, तो एन कितना बेटा इसमें फिफ्टीन, एस एन का फोर लगा दीजिए और बेटा सम निकल जाएगा आपका टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। वैल्यू पुट करें बेटा, एन कितना है 15, एस 15, सम ऑफ 15 टर्म्स, 15 अपॉन 2, 2 ए, ए इज 4, 15 माइनस 1, डी, डी हमारा कितना है, डी इज माइनस 5, ये माइनस 5 पुट कर दे बेटा। सोल्व करेंगे बेटा ये 15 बाय 2 एज इट इज, 2 4 जा 8 प्लस ये बचेगा बेटा कितना, ये बचेगा 14, 15 में से एक गया कितना, 14 बचे हुए है, 14 इंटू में 5 करें 14 पंजे 70 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा दीपांशु बेटा, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस का है 14 और माइनस 5 है बेटा डी, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये करेंगे तो माइनस 70। इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे कितना आएगा भाई, 15 बाई 2 कितना बचेगा माइनस का 62, माइनस का 62 बचेगा भाई, 8 माइनस में 70 करेंगे तो माइनस का 62 बचेगा, 62 को काटेंगे 2 बन जा 2 3 जा 2 बन जा बेटा माइनस का 31, और अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 465 और ये माइनस का आएगा बेटा, तो आपका सम जो है वो माइनस का आ सकता है, एस एन माइनस का आ सकता है बेटा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 15 एकम 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा इसमें, 15 45 ठीक है, 465 आंसर है ना आपका दीपांशु, कितना है 465 कंफर्म, ओके बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हमने करे हैं, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, कोई डाउट हो तो आप इनको अगली क्लास में डिस्कस करना मेरे साथ, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम वो आप इसमें लिख सकते हैं, अगली क्लास में वो सोल्व कर दी जाएगी बेटा। तो आज की क्लास में इतना करेंगे, आगे अगले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।